Hey friends, it's Anamika and welcome to Anna's Recipe. You might be thinking ki main kahan pe hoon? I'm standing in my balcony. It's beautiful weather outside. Isliye main khud hi shoot kar rahi hoon. It's so beautiful. Friends, I'm in Gurgaon and it's so good here. Such a lovely mausam. Thoda sa sunny hai lekin bahut pyara hai. इससे पहले फ्रेंड्स की मैं शुरुआत करूं आज की रेसिपी पे, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप मेरे साथ बने रहें। तो हम बनाते हैं आज क्लस्टर बीन्स की करी, ग्वार की फली की करी विद डम्पलिंग्स। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. सबसे पहले मैं लूंगी ग्वार की फली यानी कि क्लस्टर बीन्स। इनको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, ये देखिए। करीब 3/4 कप बेसन और 2 कप गेहूं का आटा। मसाले में जीरा, धनिया पाउडर, नमक, एसेटोफिडा हींग, हल्दी, लाल मिर्च, कैरम सीड्स अजवाइन और मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों। अब एक बाउल में सारे आटा मिला लेंगे, थोड़ा सा नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और इसमें डाल देंगे तेल करीब 1 से 1.5 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें एक सॉफ्ट आटा गूंदना है, जैसे कि हम पराठे के लिए बनाते हैं। आटा लगाने का बेस्ट तरीका ये ही है कि हम थोड़ा थोड़ा पानी लें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो डम्पलिंग्स जो हम बना रहे हैं वो टूट जाएंगी, और अगर पानी कम रहेगा तो ये टाइट बनेंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके बनाएं। ये देखिए आटा बहुत सॉफ्ट लग गया है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। एक पैन में मैंने एक भगोना लिया है, इस पर पानी चढ़ा दिया है, उसे बॉईल करने रख देती हूँ। अब इस आटे के हमें डम्पलिंग्स बनाने हैं, तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल लॉग बना लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस हम ऐसे काट के निकाल लेंगे। जैसे आप पूरी के लिए निकालते हैं तो इसके पीसेस बहुत छोटे लेने हैं, करीब पूरी के आधे। और ये जितना आटा है उन सब के सबसे पहले हम पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसे चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। ये देखिए रेडी है। अब हम इनसे डम्पलिंग्स बनाएंगे, इस तरह से हाथ से दबा दबा के, उंगलियों से दबा दबा के हम इस तरह से बनाएंगे। हथेली से इसे दबाना है और फिर उंगलियों से प्रेस करते हुए हमें एक ढोकला का शेप देना है। अगर आपके हाथ चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर इन ढोकले को बना लीजिए। आप चाहें तो बेलन से, चकला बेलन पे भी बना सकते हैं काट के, लेकिन ऐसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। देखिए ये बन चुके हैं। अब मेरा पानी भी बॉईल हो चुका है, इसमें मैं अपने क्लस्टर बीन्स या ग्वार की फलियां डाल देती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ ढोकले। सारे डम्पलिंग्स डालने के बाद डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा सा तेल, करीब 1/2 बूंद। और अब इसे बॉईल करने रख देंगे करीब 7 से 8 मिनट तक। देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, करीब बॉईल हो चुका है। चेक कर लेते हैं इसे। एक ढोकला निकाल के इस तरह से काट के आप देख सकते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है, ये हो चुका है, ये एकदम रेडी है। अब हम इसे छान लेंगे, इसके पानी को हम बचा लेंगे और इसे हम छान लेंगे। एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं, डालती हूँ उसमें 1.5 चम्मच घी और थोड़ा सा तेल, करीब 1 चम्मच। अब जीरा डालना है, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स,
और जब ये भुन जाए तब इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे भी भून लेंगे। अब ये जो ढोकलों का पानी हमने सेव किया था वो हम इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डालिए, जितना आपको करी रखनी है। आप चाहे तो पानी बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए उबाल भी साथ साथ आ गया है। अब जो ढोकले हमने स्ट्रेन करके रखे थे और फलियां भी, वो इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए उसे ढक के रख देते हैं करीब 5 मिनट तक स्लो गैस पे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं और इसे मिक्स करके फिर ढक के रख देते हैं करीब 4 से 5 मिनट और। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये जो हमारे फली ढोकले हैं ये बन के एकदम रेडी है। इनको मैंने निकाल लिया है एक पॉट पे और इन्हें मैं सर्व करती हूँ कसूरी मेथी और कुछ अनियन रिंग्स हैं मेरे पास, उनसे इनको सजा देती हूँ। आप चाहें तो चॉप्ड अनियन के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। सजा देती हूँ कुछ लेमन वेजेस से और ये देखिए हमारी फली ढोकले एकदम रेडी है। आप इसे खाइए और बताइए आपको कैसे लगे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे सैटरडे को, तब तक के लिए बाय।